जय माता रानी के सभी मित्रों को। देख लीजिए चंद्रमा कैसे कैसे दिख रहे हैं और उनके बगल में एक तारा भी छोटा सा। वाह क्या बात है, गजब। दोस्तों आज आपको एक घटना बताई जाएगी, बहुत जरूरी घटना है और आपको मजा भी आएगा सुनकर और आप इसे सुनकर आनंद लें। बहुत दिन से कह रहे थे लोग बाकी कुछ बताते नहीं है गुरु जी। चलिए एक कुछ लोगों की आप बीती बता देते हैं जो कि मुझे कोई बता के गया, शिष्य ही समझ लीजिए। रात के अंधेरे में एक साया लपकते हुए सन्नाटे को चीरते हुए निकले चला जा रहा था। चलते 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 एक गली के बाद दूसरी गली और दूसरी गली के बाद तीसरी गली पार करता हुआ वो एक दरवाजे के पास जाकर के ठहरता है और अपने दाएं बाएं देखता है। दाएं बाएं देखने के बाद उसे महसूस होता कोई उसे नहीं देख रहा है, तो वो सीटी बजाता है अपने स्टाइल में इस तरह से। ठीक है मित्रों, चिंता मत करो दोस्तों, मैं भी सीटी बजाना जानता हूँ। सीटी बजाने के बाद अचानक जिस दरवाजे के जिस घर के बाहर वो खड़ा हुआ था उसकी ऊपर का पिंजर खिड़की खुलती है। खिड़की में से एक लड़का झांकता है, वो कहता है अभी आ रहा हूँ। करीब 2 मिनट के पश्चात उस गेट का दरवाज़ा खुलता है, वो लड़का नीचे उतर के आता है। फिर वो दोनों साए लपक लपक के दूसरी गली की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद वो एक और गेट के पास खड़े होते हैं और वो लड़का उसी तरह से सीटी बजाता है करके। तो अब क्या होता है मित्रों कि अब दूसरा जो वो होता है मकान का दरवाज़ा वो तैयार से एकदम से खुल जाता है, हल्के से तरीके से धड़प से खुल जाता है और उसमें से तीसरा लड़का निकलता है और अचक से बहुत चुपके से दरवाज़ा बंद करता है। वो तीनों साई लपक लपक के अपने लक्ष्य की तरफ जाती हैं और बाहर ही एक घर के कोने पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उसमें चाबी लगाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, वो निकल लेते हैं अपने गंतव्य की तरफ। अब उनका गंतव्य था शहर के बाहर सुनसान पड़ी हुई हवेली जिसको हॉन्टेड कहा जाता था। इनका अभी पाला नहीं पड़ा था किसी भी ऐसी चीज़ से, तो ये महसूस करना चाहते थे वो चीज़ें क्या होती हैं, डर क्या होता है, क्योंकि तो इन्होंने कभी इन चीज़ों को महसूस ही नहीं किया था। उस घर के बाद जाने के बाद उस हवेली का चारों तरफ से मुआयना करते हैं पहले तो कैसी है, क्योंकि उन्होंने पहले सुना ही था और आए नहीं थे कभी इस तरफ। जहाँ से वो निकले थे वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था ये जंगल की तरफ, ये कुछ मकान बने हुए थे लेकिन उन मकानों की लाइटें बुझ चुकी थी क्योंकि रात के बज रहे थे 1:30। एक गहरी निशाकाल का अंधेरा शुरू हो चुका था। जाहिर सी बात है हवेली बंद पड़ी थी तो उसमें लाइट भी नहीं थी। धीरे धीरे वो तीनों लोग दबे पांव अपने कदम बढ़ाते हुए इस हवेली की तरफ बढ़ चलते हैं और हवेली के पास जाने के बाद देखते हैं कौन सी तरफ उसका गेट है। वो तीनों 2 टॉर्च लेकर के आए थे तो उन्होंने टॉर्च जलाई। समय वो ऐसा था कि उस समय मोबाइल उनके पास नहीं थे। उम्र उनकी रही होगी 17 से 22 के बीच में तीनों की, और वो जाकर के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा जंग खा चुका था और उसका जो ताला वगैरह था वो वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, केवल उसकी जो पुराने ज़माने की सांकड़ लगी थी, जो षटकोनी होती है वो लगी हुई थी
अचानक से उन्होंने देखा कि अचानक से ही इतनी ताकत लगाने के बाद दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन अचानक से अपने आप ही दरवाज़ा चुर्र करके पीछे सरक जाता है। तो उन्होंने कहा ये खुल गया, लगता है कोई जंग वंग लगी थी वो सही हो गई। अब तीनों अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन वो तीनों ही ये समझ रहे थे कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो हैं। हर कोई के मन में यही विचार आ रहा था कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो और हैं। इस तरह से वो अपने आप को हिम्मत देते हुए, ऊपर से वीर बनते हुए कि हमसे बड़ा वीर संसार में कोई नहीं है, ऐसे बनते हुए वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। टॉर्च की रोशनी में देखते हैं चारों तरफ भयंकर तरीके से जाले लगे हुए हैं, और चारों तरफ टॉर्च की रोशनी मारने के बाद उन्होंने देखा कि नीचे तो बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, लेकिन उसमें रास्ता जा रहा है, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए ऊपर, और सारे के सारे एक साथ रहे डर के मारे, डर की वजह से, भले ही वो ऊपर से कितने भी हिम्मती बने थे, अंदर डर की वजह से सारे के सारे एक ही साथ रहे तीनों के तीनों। तो ऊपर चढ़ करके वो उन्होंने मुआयना करना चाहा, तो पूरी मतलब जीन सीढ़ी पूरी करने के बाद पूरी एक चारों तरफ एक बाउंड्री सी बनी हुई थी और एक गैलरी बनी हुई थी। गैलरी में हर कम रूम का एक दरवाज़ा गैलरी में खुल रहा था, तो मतलब पूरी राउंड में गैलरी बनी हुई थी। तो वो जाने लगे गैलरी में, चलते चलते आगे की तरफ, तो एक कमरे में से उनको कुछ आवाज़ आई खुसर फुसर की, फुसफुसाने की। तो अब समझिए जो कोई फिल्मी मूवी तो है नहीं, रियल इंसिडेंट है। तो वो बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि ऐसा बंद मकान कोई भी ऐसी चीज़ चेक नहीं करना चाहेगा जो उसको भयानक रूप से डरा दे। तो ये फिल्म तो है नहीं कि उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा कौन है अंदर। वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गए जल्दी जल्दी, लपक लपक के घूम के नीचे उतरने के लिए। लेकिन उन्होंने जाकर के देखा कि जो गैलरी थी वो आगे बंद थी, आगे दीवार में ईंटों के ऊपर तक रेल मतलब बाउंड्री लगी हुई थी, तो गैलरी आगे से बंद थी लास्ट कमरे के पास जा करके। फिर उन्होंने घूम घूम कर वापस आना चाहा, तो उनको आवाज़ आई धड़ाक से वो दरवाज़ा खुलने की, जिसमें से फुसफुसाहट आ रही थी। वो दरवाज़ा खुल गया, वो दरवाज़ा खुलने के बाद एक हल्की सी परछाई उस दरवाजे के बाहर बीच में आकर रेलिंग के वहाँ पे खड़ी हो गई, और कुछ भी नहीं हुआ, केवल वो परछाई खड़ी रही। अब परछाई खड़ी रहने के बाद मित्रों सोच सकते हैं उन तीनों का क्या हाल हुआ होगा। एक तो दूसरी मंजिल पे फंस जाना, बीच में आके परछाई खड़ी हो जाना, और वो परछाई कुछ भी नहीं कर रही थी, केवल खड़ी हुई उनको देख रही थी। बिल्कुल काला काला सा एक धुआं सा एक अंधेरा सा खड़ा हुआ हो गया, टॉर्च की रोशनी में भी वो काला काला दिख रहा था। अब उन्होंने कुछ सोचा कि नीचे कैसे जाए। अब बुरी तरह से वो तीनों कपकपाने लग गए, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था उसने, और उनको सबसे लास्ट जो रास्ता दिखा वो ऊपर से कूदने का था नीचे की तरफ। जो रेलिंग थी उसमें बाउंड्री बनी हुई थी, उससे नीचे सीधे आंगन में कूदने का उनका हिसाब बनता था। तो उन्होंने क्या किया, जंप लगाने के लिए वो लटकने लग गए रेलिंग पे। तो उन्होंने महसूस किया कि जो ही उन्होंने लटकने की कोशिश की, वो साया वहाँ से गायब हो गया, धुआं काला। तो उनके मन में जाहिर सी बात है ये विचार आएगा कि ये हमारे पास आ रहा है। इस विचार के आते ही वो सारे के सारे नीचे कूद गए। उन्होंने कहा कि इससे पहले दरवाज़ा रोक ले, तो सारे के सारे नीचे कूद गए। कूदने के बाद वो जाके गिरे 15 फुट नीचे, तो एक के पैर में चोट लगी, एक के हाथ में चोट लगी, क्योंकि अंधेरा, सामान बिखरा हुआ, और टॉर्च की रोशनी में देख करके कूदना, फर्श में पहले भी सोफे वोफे सब सामान उल्टा पुल्टा टूटा फूटा पड़ा था फर्नीचर, तो उसके ऊपर गिरे जा करके। तो सोचिए आदमी 15 फुट से गिरेगा अचानक में रात में, तो क्या हाल होगा। तो उन सबकी थोड़ी थोड़ी चोट लग गई, तो बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट के वो बाहर निकलते हैं। और निकलने के बाद
दरवाजे के बाहर निकल के सरपट भागते हैं आंख बंद करके बिना एक दूसरे को देखे। फिर वो बीच रास्ते में जाके महसूस करते हैं कि उनका एक दोस्त गायब था, मुकेश। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती वापस लौटने की और सीधे अपने अपने घरों पर जा कर के वो, क्योंकि गाड़ी में बैठ के भाग लिए थे, वो घरों पर जा कर के अपने रुकते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो एक के माता पिता जगे हुए उसको देख रहे थे, बैठे हुए थे, क्योंकि उनको लगा उनका घर लड़का कहीं चला गया, घर में उसकी माँ गई होगी उसके कमरे में किसी काम से रात को, तो वहाँ गायब था, तो वो खड़े हो गए थे दरवाजे पर ही आकर के। दूसरे के घर वालों को मालूम नहीं पड़ा, तो उससे पूछा गया कहाँ गया था, उसने सारे डर के मारे कपकपाते हुए सारी स्टोरी बता दी। तो उन्होंने घर वालों ने सुबह आपस में संपर्क किया और वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो लड़का बेहोश पड़ा हुआ है वहीं नीचे वाले उसी हॉल में जहाँ वो ऊपर से कूदे थे। तो उसको बाकी कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा पैर में उसके लग गई थी, उसी दर्द में बेहोश हो गया था, बाकी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। वो वापस आ गए, जो लड़का गिरा था आंगन में बेहोश हुआ था, ये स्टोरी उसी के द्वारा मुझे बताई गई। वो 1.5 साल पहले मेरे पास आए थे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख करके, तो उसके बताने से ही लग रहा था वो जिस तरह से वो कपकपा गया उस चीज़ को सुना करके कि ये रियल स्टोरी है, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे सुनाते समय भी, तो मैं समझ गया कि उसकी रियल स्टोरी है। भले ही वहाँ पर कुछ भी चीज़ रही हो, कोई भी चीज़, लेकिन उसने उनको हानि नहीं पहुँचाई, लेकिन वो अपने भय से खुद इतने भयभीत हो गए थे कि समझ लीजिए आदमी खुद के भय से मर जाना इसको कहते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ लोगों से, कभी भी ऐसे उटक पटक उटक नाटक नहीं करने चाहिए। मैं अंधविश्वासी भी नहीं हूँ और इस तरह से चीज़ों से मैं डरने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि खुद का भय ही खुद पे कभी कभी हावी हो जाता है। बाकी सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। जय माता रानी की, जय माँ भवानी, सभी मित्रों को।